अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ प्रोफेसर डॉक्टर साहर फातिमा। मैं कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट हूँ कराची के एक लीडिंग कॉलेज में। मैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट हूँ गायनी मिनिमल इनवेसिव सर्जरी एंड गायनी सर्जरी यूनिट की। और मेरी सब स्पेशलिटी है गायनी की इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट, मिनिमल इनवेसिव सर्जरीज एंड कैंसर सर्जरीज। इसके अलावा जो फीमेल्स के दीगर गायनी और ऑप्स या प्रेगनेंसी रिलेटेड इशूज़ होते हैं उनसे भी मैं डील करती हूँ। आज मैं जिस टॉपिक के बारे में बात कर रही हूँ वो है इनफर्टिलिटी, बेऔलादगी। बेऔलादगी एक ऐसा इशू है जिसमें पाकिस्तान के अनफॉर्चुनेटली 2/3 कपल में ये प्रॉब्लम पाई जाती है। और बहुत से केसेस ऐसे होते हैं जिनकी इनफर्टिलाइज होने की वजह ये होती है कि उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं कर रहे होते। सो आज मैं डिस्कस करूँगी कि इनफर्टिलिटी क्यों होती है, आपने डॉक्टर के पास एक्चुअली कब जाना है अपना इलाज कराने के लिए, और इसकी वजूहत क्या है। इनफर्टिलिटी की वजूहत को हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। 1/3 केसेस में ये फीमेल पार्टनर का प्रॉब्लम होता है, 1/3 में मेल पार्टनर का प्रॉब्लम होता है, और 1/3 केसेस में ना ये फीमेल की प्रॉब्लम होती है ना मेल की प्रॉब्लम होती है। और इसको कहा जाता है अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी, यानी दोनों मेल एंड फीमेल पार्टनर फिट हों उसके बावजूद प्रेगनेंसी ना हो रही हो। और इसकी बहुत सारी वजूहत हैं और इसका इलाज है जो अभी हम आज डिस्कस करेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि आपकी शादी हो गई है, आपका बच्चा नहीं हो रहा, आप कब डॉक्टर के पास जाके अपना इलाज कराना शुरू करें। अगर एक नॉर्मल कपल हैं और आप यंग हैं और आप में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो यूजली हम रिकमेंड करते हैं कि शादी के बाद 1 साल तक आप नेचुरल ट्राई करें और उसके बाद फिर अपना इलाज शुरू करवाएँ। लेकिन अगर वो लोग जिनकी एज ज़्यादा हो, जिस तरह अगर कपल में फीमेल की 35 से ज़्यादा है या मेल की 40 से ज़्यादा एज है, या जिनको पहले से कोई प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो मेल पार्टनर में हो या फीमेल पार्टनर में, या फिर उनको अपनी सेक्सुअल एक्टिविटी में कोई प्रॉब्लम मिल रही हो, ऐसे लोगों को हम कहते हैं कि वो शादी के फ़ौरन बाद भी आके अपने इलाज करा सकते हैं। क्योंकि अगर आपके अंदर कोई कॉज है जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी नहीं हो रही, तो पहले उसका इलाज होता है। मैं इनफर्टिलिटी की केसेस करती हूँ और मैं वहाँ पे कपल को देखती हूँ, और मैंने अनफॉर्चुनेटली बहुत दफ़ा यह देखा है कि बेचारी फीमेल ही अकेली आ रही होती, हस्बैंड नहीं आ रहा होता। ये एक म्यूचुअल प्रॉब्लम है और इसमें हस्बैंड वाइफ दोनों को आना होता है। अगर हस्बैंड बिल्कुल नॉर्मल हो तब भी बेहतर होता है कि अपनी वाइफ के साथ डॉक्टर के पास जाए। ये जब हम बच्चे के इलाज करते हैं तो हम दवाएँ देते हैं, जो कुछ बेसिक दवाएँ मल्टीविटामिन है वो हस्बैंड को भी दी जाती है। सेकेंड प्रॉब्लम जो मैं देखती हूँ कि बहुत सारे लोग डायरेक्टली बच्चा ठहरने के लिए दवाएं लेना शुरू कर देते हैं और जिसमें प्रॉब्लम है वो ट्रीट नहीं करते। इलाज प्रॉब्लम का होता है। सो अगर आपके अंदर कोई प्रॉब्लम है तो पहले उसका हम इलाज करते हैं, उसके बाद हम प्रेगनेंसी की दवाएं देते हैं, वरना प्रेगनेंसी की दवाएं भी फेल हो जाएंगी और फिर पेशेंट जो है वो डिसअपॉइंट भी हो जाता है कि मैंने दवा भी ली और प्रेगनेंसी भी नहीं हुई। फीमेल्स में जो कॉजेज होती हैं उनमें सबसे कॉमन कॉज होती है हार्मोनल कॉजेज। इसमें आपको पॉलीसिस्टिक ओवरीज भी हो सकती है और इसके अलावा दूसरे डिगर हार्मोन भी ख़राब हो सकते हैं, जैसे थायराइड की प्रॉब्लम हो या प्रोलैक्टिन हार्मोन की प्रॉब्लम हो, या भी हो सकता है कि स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम हो, जैसे अंडेदानी में कोई सोली हो, पानी की थैली भी हो सकती है, एंडोमेट्रोसिस भी हो सकता है, डर्माइटिस भी हो सकती है, या फिर यूट्रस में कोई प्रॉब्लम हो, यानी बच्चेदानी में या तो पैदाइशी कोई प्रॉब्लम है या बच्चेदानी में अभी कोई प्रॉब्लम है, जैसे बच्चेदानी में कोई रसोली है या बच्चेदानी का मुंह कमज़ोर है। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम होती है, वो है ट्यूब का बंद होना। कुछ औरतों में ट्यूब्स बंद होते हैं, एक या दोनों ट्यूब बंद होते हैं, तो फिर उसको भी एक वजह बनती है बच्चे ना होने की। इस तरह मेल पार्टनर में बहुत सारी वजूहत हैं, जिसमें सबसे कॉमन वजह है उनकी हार्मोन्स की प्रॉब्लम, फिर लाइफस्टाइल, अगर मरीज़ को ब्लड प्रेशर है, शुगर है, अगर वो स्मोकर है या कोई और एडिक्शन है उनकी, अगर उनका वजन बहुत ही कम है, बहुत ज़्यादा है, या स्ट्रेसफुल जॉब है, या कोई दवाई ले रहे हों, जैसे बहुत सारे लड़के जिम जाते हैं, टेस्टोस्टेरोन ले रहे होते हैं, तो ऐसे लड़कों में भी शादी के बाद उनकी फैमिली में इनफर्टिलिटी का इशू हो जाता है। सो ये एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है कि मेल पार्टनर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब जब हम डॉक्टर के पास आते हैं तो हम करते क्या हैं? जब आप हमारे पास आते हैं तो यूजुअली मैंने कहा मैं एज अ कपल देखती हूँ, तो हस्बैंड वाइफ दोनों को हम देखते हैं, आपकी डिटेल हिस्ट्री ली जाती है ताकि पता चले आपके कोई फैमिली प्रॉब्लम है या आप दोनों में कोई मेडिकल प्रॉब्लम है जिसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं हो रही। उसके बाद हम कुछ टेस्ट करवाते हैं जिसमें हम हस्बैंड का सीमन एनालिसिस सबसे पहले मैं रिकमेंड करती हूँ कि कराएँ, ताकि अगर पता चल जाए कि हस्बैंड का सीमन ठीक है तो फीमेल पर हम कंसनट्रेट करें। क्योंकि बहुत से कॉजेज में ऐसा होता है कि फीमेल आती है, अपना इलाज बेचारी करा रही होती है, दवाई ले रही होती है, मगर प्रॉब्लम हस्बैंड में होती है, और वो प्रॉब्लम आम तौर पे जो है वो दवाओं से सही हो जाती है।
मेल पार्टनर में एक बहुत मिसकॉन्सेप्ट है अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी में कि जो आदमियों के स्पर्म्स अगर कम हैं या स्पर्म्स में हैं ही नहीं या कुछ और, तो इनका कोई इलाज ही नहीं है। और अनफॉर्चुनेटली वो या तो कीमो के पास जाके इलाज कराते हैं या ऑनलाइन दवाई ले रहे होते हैं, और इससे और ज़्यादा प्रॉब्लम आपकी ख़राब हो जाती है। सो अगर मेल्स में स्पर्म्स कम हैं या कोई और प्रॉब्लम है उनकी सिमिलनेसेस में, तो ये मसला दवाओं से हल हो जाता है और बहुत ज़्यादा केसेस में हल हो जाता है। तो प्लीज़ डॉक्टर के पास जाएं और अपनी रिपोर्ट कराएं और अपना इलाज कराएं। ऑनलाइन दवाएं नहीं लें बिकॉज उनके साइड इफेक्ट्स आपको पता नहीं होते हैं और उससे बहुत से केसेस में मज़ीद नुकसान भी हो जाता है। अगर फीमेल में कोई प्रॉब्लम हो, जैसे अगर उसको पॉलीसिस्टिक ओवरी हो तो फिर हम उसको दवाएं दे देते हैं। अगर उसमें कोई सर्जिकल प्रॉब्लम हो जैसे एंडोमेट्रोसिस हो तो फिर उसकी सर्जरी कराते हैं। और ये जो सारी दवाएं और सर्जरी होती है ये आपके कॉज को ट्रीट कर रही होती है। फॉर एग्जांपल अगर आपके अंदर एंडोमेट्रोसिस है तो उसका मकसद ये है कि अंडेदानी से रसोली निकाल के अंडेदानी को बचाया जा सके ताकि आपकी प्रेगनेंसी हो। तो कुछ लोग इस डर से सर्जरी नहीं कराते कि सर्जरी करा देंगे तो फिर शायद बच्चे ही नहीं होंगे। आपके अंदर कोई मसला है, हम उस मसले को ट्रीट कर रहे हैं। जब मसले की ट्रीटमेंट हो जाएगी तो हो सकता है बगैर दवाओं के भी आपका बच्चा हो जाए। तो हमेशा प्रॉब्लम को समझें कि आपके अंदर प्रॉब्लम क्या है और उसका इलाज ज़रूर कराएं। फिर अब वो कपल आ जाते हैं जो अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी वाले हैं, यानी हस्बैंड को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वाइफ को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ऐसे लोगों में हम उनको मेडिकल ट्रीटमेंट देते हैं प्रेगनेंसी के लिए, जिसमें ज़्यादातर फीमेल्स को ओव्यूलेशन इंडक्शन की दवाएं दी जाती हैं और हस्बैंड को कुछ बेसिक मल्टीविटामिंस दी जाती हैं। उसके बाद फिर हम कुछ पीरियड्स के दिनों में आपको बुला के आपका अल्ट्रासाउंड करा के देखते हैं कि फॉलिकल्स या अंडे अच्छे बन गए हैं कि नहीं, और फिर उसके बाद समझाया जाता है कि सेक्सुअल एक्टिविटी आपने कब करनी है और आगे आपने इसकी ट्रीटमेंट कैसे करनी है। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि किन दिनों में आप मिलें तो आपकी प्रेगनेंसी होने के चांसेस ज़्यादा हैं। बहुत दफ़ा होता है कि हस्बैंड ट्रैवलिंग कर रहा होता है और उन दिनों में आप लोग नहीं मिलते जो कि ओव्यूलेशन डेज हैं। तो ये समझना ज़रूरी है कि किन दिनों में एक्चुअली आपने मिलना है। जो फीमेल की पीरियड्स होते हैं वो यूजुअली 28 दिन के होते हैं। तो अगर किसी का 28 दिन का पीरियड है तो उसका जो डे 12 होता है यानी 12वां दिन, उससे 4 दिन पहले और उसके 4 दिन बाद हम रिकमेंड करते हैं कि अपने हस्बैंड के साथ सेक्सुअल एक्टिविटी को यकीनी बनाएं, क्योंकि इस टाइम में एक्टिविटी करके प्रेगनेंट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। वो खवातीन जिनके ट्यूब बंद होते हैं उनके लिए यूजुअली हम एक एक्सरे करा के देखते हैं कि ट्यूब बंद है कि नहीं, मगर ये एक्सरे 100% कंफर्म नहीं होता। तो अगर हमें डाउट होता है कि इनका ट्यूब बंद है तो फिर हम इनकी लेप्रोस्कोपी एंड डाई टेस्ट करते हैं, और लेप्रोस्कोप में डाल के हम देखते हैं कि ट्यूब खुले हैं कि नहीं, या फिर इसकी फ्लशिंग की जाती है। और अगर उस वक्त हमें कोई और प्रॉब्लम मिल जाए, जैसे अगर हमें ओवरी मिसेस मिले या कोई और एडिशंस मिले, तो फिर वो देर एंड देर उसी ट्रीट भी हो जाता है। सो अगर ट्यूब बंद हैं तो उनसे प्रेगनेंसी होने के चांसेस बहुत कम हैं। अब वो खवातीन आ जाती हैं जिनके अंदर दवाओं से भी, इसके अलावा कुछ कपल्स होते हैं जिसमें हम दवाओं से भी प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही होती, या वो कपल होते हैं जिसमें हस्बैंड की स्पर्म काउंट कम होता है। उनमें हम आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्निक का एक तरीका करते हैं जिसको हम कहते हैं IUI, इंट्रायूटराइन इंसेमिनेशन। जिन हजरात का स्पर्म काउंट कम होता है या वो सेक्सुअल एक्टिविटी से ऐसे परफॉर्म नहीं कर सकते, उनको ऑल्दो कि हम दवाएँ भी देते हैं, लेकिन फिर उनकी वाइफ को हम उनके पीरियड्स की कुछ स्पेसिफिक डेज पर बुलाते हैं और हस्बैंड के स्पर्म का जो सबसे अच्छा वाला सैंपल होता है जिसको हम स्विमअप सैंपल कहते हैं, हम वो लेके फीमेल के अंदर ट्रांसफ़र करते हैं कुछ स्पेसिफिक तरीके के ज़रिए, और उसके एक दिन के गैप के बाद दोबारा ये प्रोसीजर रिपीट किया जाता है। ये प्रोसीजर एक तो चीप भी है, आसान भी है, ओपीडी प्रोसीजर है, आप आते हैं प्रोसीजर कराती हैं, आधे घंटे में आप घर चली जाती हैं, और ये प्रोसीजर आप रिकरेंट साइकिल्स में करा सकते हैं, उसका कोई नुकसान नहीं है। वो कपल जिनमें सारी ट्रीटमेंट फेल हो जाती है उसमें हम IVF कराते हैं, जिसको हम जमाने में टेस्ट ट्यूब बेबी कहा जाता है। और IVF फिर उन कपल्स में ज़्यादा होता है जिसमें फीमेल के पास एग्स बहुत कम होते हैं एक्सट्रीम और एज पे हो, या हस्बैंड को बहुत सीवियर प्रॉब्लम हो उनके पास पम हो ही नहीं। तो आमतौर पर जो हम इनफर्टिलिटी को ट्रीट करते हैं उनमें बहुत कम ऐसे केसेज होते हैं, बहुत रेयर केसेज होते हैं जिनको IVF की ज़रूरत पड़े। ज़्यादातर केसेज में अगर हम उनकी वजह को सही करें, उनको दवाएँ दें, इंजेक्शन दें, अगर तो प्रेगनेंसी हो जाती है। और फिर जो लोग दवाओं से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे होते उनमें हम इंट्रायूटराइन इंसेमिनेशन करते हैं, जो मैं बार बार कहती हूँ कि बड़ा आसान तरीका है, आप हर महीने करा सकते हैं, ज़्यादा महंगा भी नहीं है। और बहुत दफ़ा जहाँ मेल पार्टनर में प्रॉब्लम होती है, फीमेल में प्रॉब्लम होती है, या वो लोग जो जल्दी प्रेगनेंट होना चाह रहे हों, उनके लिए IUI बहुत अच्छा प्रोसीजर साबित होता है।
ये कुछ चीज़ें थी बे औलादगी के बारे में। बे औलादगी पाकिस्तान में इसलिए बढ़ रही है कि लोगों को पता ही नहीं है किसका इलाज कराना कैसे, या वो सही जगह पे नहीं पहुंचते। बे औलादगी ला इलाज नहीं है, ये बांझपन नहीं है। आप प्रेग्नेंट हो सकती हैं और उसके ज़रूरी है कि आप सही जगह पर जाके सही ट्रीटमेंट कराएँ और उसके बाद ट्रीटमेंट को कंटिन्यू करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप मुझे क्लिनिक में विजिट करना चाहें तो मैं अल्ट्रासाउंड जर्नल थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप मुझे विजिट करना चाहें तो आप मुझे अल्टीमेट जनरल हॉस्पिटल में विजिट कर सकते हैं। मेरी डेली टाइमिंग है 1 to 2:30 और फ्राइडे 10 to 12। इसके अलावा अगर आप कुछ मज़ीद मालूमात लेना चाहें तो अल्टीमेट के नंबर पर कॉल करके मेरे बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं।